तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला एक्सेल का नहीं, हम बात करेंगे वीवीए प्रोग्रामिंग का। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और आपका एंड इफ जो होता है वो। तो कई तरीके से चीजें हैं इफ के, कई सारे पार्ट्स हैं जो कि हम आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे नंबर है, मैं चाहता हूँ अगर सेल्स ग्रेटर देन 50 हुआ तो 500 देना है, कहाँ पे बी कॉलम के में, मान इंसेंटिव है, तो क्या देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे देंगे इफ रेंज, रेंज हमने क्या डाला, बी ए टू सॉरी ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन रेंज, मैं डाला सी बी टू सॉरी बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। सिंपल सा डाला हमने कि ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, तो बी टू की वैल्यू 500 हो जाए इफ कंडीशन में डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे 65 करता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बी टू पे आपका रिजल्ट 500 आ गया, पर सिर्फ बी टू पे आया ना, मुझे बाकी सब पे चाहिए ना सर। इसके लिए क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे जो कि हम पहले भी आपको बताए हुए हैं। तो फोर आई इक्वल टू चले 2 2 28, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर लिया। 28 क्यों किया, दो क्यों किया, क्योंकि पहला तो हेडिंग है, दो से ही चलना है ना हमें सर, और 28 मतलब कि 28 तक हमारा डेटा है। अब कुछ महानुभाव बोलेंगे कि सर 28 तो अभी है, इन फ्यूचर में तो कम और ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ हम 28 को करेंगे ऑटोमेट। कैसे करेंगे, वही हमारा पुराना मेथड और ये मेरा मेथड है डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट रो। समझ में आया सर ये क्या किया मैंने, हमने बोला ए 65,000 पे हाँ जाएगा एंड एक्सेलेस अप करेगा, इसका जो रो नंबर है सो सर, लास्ट होगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो फिर भी ए 28 बार तो चलेगा, 27 बार, मैं 2 से 28 27 ही हुआ ना, 27 बार चलेगा, लेकिन 27 बार ही इसी को चेक करेगा, इसी में रिजल्ट डालेगा, क्योंकि यहाँ तो ए टू फिक्स है। और जहां तक हम जानते हैं आई क्या है, रेफरेंस है, वेरिएबल से ए 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज होगा 1 by 1। तो हम यहाँ 2 को हटाते हैं और ए के जगह पे आई को डाल देते हैं, और यहाँ भी 2 को हटाते हैं और यहाँ ए के जगह पे आई को डाल देते हैं, ठीक है। तो अब आई 2 होगा फर्स्ट टाइम में, तो ए और 2 मिलकर क्या बन जाएगा, ए 2, और आई जो है 2 होगा तो बी और 2 मिलकर बी 2 हो जाएगा, एंड 3 होगा तो ए और 2 ए 3, ए और 3 ए 3, बी और 3 बी 3, समझे। सर तो इसमें इसमें एक एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नहीं नहीं लगेगी लगेगी क्या? क्या, क्यों क्यों ये ए को एज अ टेक्स्ट इन देगा, इसको इसको ए वन ए टू ए1 ए2 करेगा, पर करेगा, उसके पर बाद उसके वहां बाद पे एंड में एंड एंड में में एक कॉमा कॉमा सी हो सी। जाएगा। नहीं, कंबाइन किया ना, जैसे ए यहाँ पे ए 2 डालना था, 2 हमारा अपने अपना नहीं है, आई से लेना है, तो अब ए और 2 को कंबाइन करके ए 2 कर दिया ना इसको। जैसे यहाँ पे 2 डाला हुआ है, मुझे यहाँ पे ए 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए के साथ हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए 2 आएगा, समझे। और रेंज को ए 2 मिल गया, ए 2 पे चला जाएगा, आई को इन्वर्टर कॉमा थोड़ी डालेगा, यहाँ इन्वर्टर कॉमा डाल देंगे तो पता चला कि फिर वो सारा इन्वर्टर कॉमा बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा फिर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ठीक आपको, है ठीक है सर, सर। ठीक है अदर्स, सर। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे कलर रेड भी करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं फिल ग्रीन, कि जहां जहां, अब यहाँ पे जो है दो दूसरी कंडीशन पे आते हैं, कि जहां जहां पे 500 है ना, 500 देने के साथ साथ उसकी कलर को भी ग्रीन कर दे, तो मुझे यहाँ पे इसको यहां से क्या करना पड़ेगा, एंटर प्रेस करना, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि एक कंडीशंस मल्टीपल रिजल्ट, तो आपको एंड करके नीचे आना होगा और अपनी मल्टीपल रिजल्ट यहां डालना होगा। जैसे मैं यहां पे डाल दिया कि बी के साथ हमने आई लिया डॉट वैल्यू, और वैल्यू नहीं माफ कीजिएगा इंटीरियर है ना, कलर करना है ना, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी वी रेड ग्रीन ब्लू जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और लास्ट में एंड इफ क्या करेंगे, लास्ट में एंड इफ समझे। अब इसको रन करके देखिए। अब यहां पे हम एक और काम करते हैं, एल्स कहते हैं। हम बोलते हैं कि ग्रेटर देन 50 हुआ तो 500, लेस देन 50 हुआ तो हमें देना है 100। समझ गए, तो इसी को नीचे लेके आते हैं। अच्छा हमने को रिप्लेस कर दिया है, अब मेरे पास else है तो हमें क्या करना है कि यहां पे देना है else और फिर यहां पे देना है। तो अगर false हुआ तो यहां पे false का दे सकते हैं कि भाई false हुआ तो रिजल्ट आना चाहिए। और इन दोनों में भी आप मल्टीपल रिजल्ट दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिंगल रिजल्ट ही हो। जैसे यहां पे हमने दो दो दिया, चार पांच दस दे सकते हैं, ऐसे यहां पे आप ट्रू होने पर दो से ज्यादा और फॉल्स होने पर भी दो से ज्यादा दे सकते। और वीवी कोडिंग लगाने का, वीवी के कोड का सिंपल सा यही कंसेप्ट है सर। क्या कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा यहां पे कि पहला हमें इफ देना है, अपनी कंडीशंस लगानी है, फिर देन देना है, फिर अपना ट्रू पार्ट देना है, देन एल्स देना है, फिर अपना फॉल्स पार्ट देना है, और फिर यहां पे एंड इफ कर देना। अब इसमें बात करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे बी कॉलन में आईएनसी तो दिखे, लेकिन मेरा कंडीशन है कि 50 to 80 हुआ देन 800 अदरवाइज 100। ठीक है, समझे कि नहीं सर। अब यहां कंडीशन जो है बिटवीन का है, और बिटवीन कंडीशंस में हमें लगाना पड़ता है क्या, एंड फॉर्मूला, क्योंकि बिटवीन कंडीशन है, बोथ आर रिक्वायर्ड। अब बिटवीन कंडीशन जब लगाते हैं तो एक छोटी सी, मतलब जब ज्यादा होगा तो दो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो से ज्यादा हो देन आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करें। हम बोला डिम एस एज ए, हमने बोल दिया लॉन्ग, और यहां हमने इफ कंडीशन से पहले एस, और ये जो यहाँ है वैल्यू जो दिया हुआ है इसी को हमने यहाँ पे कॉपी किया डाल दिया। अब मैं यहाँ पे जस्ट क्या डालूंगा, एस डालूंगा कि एस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 50, और यहाँ पे एंड एस अगर लेस देन इक्वल टू 80 है, ऐसा है तो यहाँ पे 800 सो हो अदरवाइज क्या सो हो 100। तो इस तरह से आप एंड लगा सकते हो। अब दो दिया, अब दो से ज्यादा है तो यहां पे अगेन एंड 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 और एंड कंडीशन एंड कंडीशन एंड कंडीशंस आप देते चले जाए। ठीक है सर। अब बात करते हैं एंड के बाद लास्ट जो है हमारा और। और के लिए क्या है कि मेरे पास यहां पे डेज है, डेज में सैटरडे एंड संडे डाला हुआ, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे फ्राइडे डाला। अब मुझे यहां ऑफिस जो है देना है, तो ऑफिस ओपन या वीक ऑफ दो होगा, तो सैटरडे एंड संडे अगर हुआ तो हमें क्या करना है, वीक एंड वीक ऑफ करना है, अदरवाइज ओपन करना है। ठीक है, तो यहां हम लॉन्ग नहीं लेंगे, क्या लेंगे कुलदीप जी यहां पे, कुलदीप जी डबल लेंगे सर। क्यों डबल लेंगे, डबल पे किस पे क्या स्टोर होता है, डबल पे पता है आपको,
डबल तो शायद डबल डेसिमल और डेसिमल उसका और दोनों मिला डेसिमल कर। लेता है, और ये सैटरडे संडे क्या डेसिमल है? डेट का है नहीं डेट सर, नहीं है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग मतलब सर। टेक्स्ट। यहाँ स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, और फिर यहां पे लगेगा हमारा कंडीशन कि s इक्वल टू सैटरडे। याद रखिएगा वीवीए केस सेंसिटिव होता है, और s यहाँ इक्वल टू संडे। अब बोलेंगे सर केस सेंसिटिव होता है मतलब कि मैंने यहां पे अगर कैपिटल में सैटरडे लिख दिया तो वर्क नहीं करेगा, वीक ऑफ। और नहीं तो ओपन, ठीक है सर। अब मैं इसको रन करता हूं, देख लीजिए। सॉरी, चार नाम का ऑलरेडी है तो पांच करना पड़ता है। ओके सर, समझे कि नहीं सर सर? इसमें एक सवाल था। हेलो पूछिए, सुन रहा हूं। हाँ, मैं बोला जैसे यहाँ पर दो दो हमने क्राइटेरिया लिया है कि सैटरडे संडे वीक ऑफ होगा और नहीं तो ओपन होगा। मान लीजिए सर वेंसडे को हम कोई भी हॉलीडे, एवरी वेंसडे हॉलीडे रहता है तो उसको हम उसको हम कैसे कैसे डिफाइन डिफाइन करेंगे, करेंगे? तीन क्राइटेरिया कैसे लाएंगे इसमें। प्रदीप जी, सबके से एक ही दिन सीख लीजिएगा। अच्छा ये टॉपिक हम बात करेंगे। अभी हमने जो बताया है, बताया सिंगल कंडीशन के लिए, लेकिन आप बोलते हैं कि मेरे पास कस्टमाइज कंडीशन है, तो कस्टमाइज कोड डालना होगा। इट्स कॉल्ड एंड, ये होगा इफ एंड, एल्स इफ, ये चीजें होगी तो बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करें आप। लेकिन एक टॉपिक यहां भी है कि के सेंसिटिव हो गया। देखिए यहां पे सैटरडे को ओपन कर दिया, तो ये सोल्यूशन ढूंढना है आपको कि क्या करें कि केस सेंसिटिव का चक्कर ना चले। सैटरडे हो या अपर में चाहे लोअर में हो, वो फाइंड आउट कर ले। ये आपके लिए रिसर्च है, ठीक है? आज मैं व्हाट्सएप नहीं ओके कर सर।